हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फेज चीज मिनी पिज्जा। ये पिज्जा सूजी से बना हुआ है, आप इसको घर पर जरूर बनाइए, आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ 10 मिनट पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसको बनाया है मैंने पैन में, तो आप इसको घर पर जरूर ट्राई कीजिए। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं पिज्जा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 कप सूजी, आपके पास जो भी सूजी है जैसे बारीक या फिर मोटी कोई भी सूजी चलेगी। और 1 कप सूजी के लिए 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा इसमें डालने से पिज्जा क्रिस्पी बनते हैं, अगर आपके पास है तो लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स लिए हैं, ऑरिगानो लिया है ये नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून है शक्कर, ये बटर मिल्क लिया है मैंने 1 कप, और ये लिया है चीज, चीज को मैंने ग्रेट करके लिया है, आपके पास जो भी चीज है वो आप ले सकते हैं। इसमें है टोमेटो, शिमला मिर्च और प्याज कटा हुआ, आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो आप ले सकते हैं। और 2 बड़े चम्मच लिया है टोमेटो केचप, और तेल चाहिए बस 1 बड़ा चम्मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने 1 मिक्सर का जार, उसमें डाल देंगे सूजी, सूजी को हमें पीस के लेना है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये चावल का आटा, नमक स्वाद अनुसार, मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, ये शक्कर 1 टीस्पून, और ये बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। अब हमें इसको पीस के लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल आटे के जैसा मैंने इसको पीस के लिया है। तो अब हमें लेनी है 1 मिक्सिंग बाउल, उसमें डाल देंगे पीस कर रखी हुई सूजी। हमने इसमें पहले ही नमक, बेकिंग सोडा, चावल का आटा वगैरह डाल दिया है। तो अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके बटर मिल्क डाल देंगे और इसको सॉफ्ट डो बना के लेंगे। सॉफ्ट मतलब नरम डो बना के लेना है, एकदम से छाछ ना डाले, नहीं तो ये डो पतला हो सकता है। तो ये देखिए हमारा डो तैयार है। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा छाछ डाल के प्रेस एंड फोल्ड के मेथड से इसको अच्छे से सॉफ्ट करके लेती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही नरम डो तैयार है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ। और तो ये देखिए 1/2 कप छाछ रह गया है, मतलब 1 कप सूजी के लिए हमें बस 1/2 कप छाछ की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखिए इसको मैंने बस 5 मिनट तक ही ढक के रख दिया था, ये डो बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी लोई बनाएंगे। ये हम मिनी पिज्जा बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम लोई बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, तो इसी तरह से मैं सारी लोई बना के लेती हूँ। तो 1 कप सूजी में 5 छोटे पिज्जा बन जाते हैं। तो अब हमें इसको बेल के लेना है, तो ये चिपके नहीं इसलिए इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी सूजी डाल दी है। ये देखिए ऐसे, तो 1 पिज्जा मैंने बेल के लिया है। इसी तरह से मैं बाकी के भी पिज्जा बेल के लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने कितना मोटा रखा है। मेरी एक पैन में 1 टाइम 3 पिज्जा बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पिज्जा के बेस बना के लिए हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अगर आपकी पैन बड़ी है तो आपने 1 टाइम 4 या 5 पिज्जा भी बना सकते हैं। तो पैन में डाल देंगे 1 टीस्पून तेल, तेल को स्प्रेड करते हैं और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रख के पिज्जा बेस को एक साइड से सेक कर लेते हैं। तो इसे हमें ढक के रखना है 3 से 4 मिनट तक। और ये देखिए 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं, एक साइड से ये पिज्जा बहुत ही अच्छे से सिक कर तैयार है। तो इसे पलट देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका लाइट गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और एकदम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। अब हमें इसके ऊपर टोमेटो केचप स्प्रेड करना है। अगर आपको पिज्जा सॉस पसंद है तो आप पिज्जा सॉस भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए हमें यहाँ पे गैस बंद करनी है। टोमेटो केचप स्प्रेड करने के बाद अब हमें इसके ऊपर रखनी है ये सब्जियाँ। तो मैंने यहाँ पे टोमेटो, शिमला मिर्च और प्याज लिया है। उसके बाद ये चीज को मैंने ग्रेट करके लिया है। ग्रेटेड चीज बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। चीज भी मैंने बहुत अच्छे से स्प्रेड किया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और उसको ढक के रख देते हैं 3 से 4 मिनट तक। यहाँ पे भी हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। और ये देखिए 3-4 मिनट बाद ढक्कन हटाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज जो है बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और उसके ऊपर डाल देंगे ऑरेगानो, अगर आपके पास है तो लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये चिली फ्लेक्स।
बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पिज्ज़ा है। हेल्दी इसमें सब्जियां हैं और इसकी खास बात यह है कि इसको मैंने सूजी से बनाया है, इसलिए ये पिज़्ज़ा बहुत हेल्दी भी हो जाता है। तो आप इसको घर पर ज़रूर बनाइए। और ये देखिए इसका चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है और अंदर से भी ये कितना जालीदार बना है, मतलब ये अंदर तक अच्छे से कुक हो गया है, ये देखिए। तो आप ये पिज़्ज़ा घर पर ज़रूर बनाइए। और आज की मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।